नमस्कार, गुड मॉर्निंग आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, रीत की जो क्लास हमने प्रारंभ की थी राजस्थान 360 चैनल के ऊपर, उसी की क्लास अपन आगे बढ़ाते हैं। क्रेक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज मिलती है। तो दोस्तों, इसको मोबाइल में लेना बहुत ही आसान है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से उसे रजिस्टर करें और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान में आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको देखो क्या क्या मिलता है, व्हाट विल यू गेट। तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको एक क्लासरूम का माहौल देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, आपको अगर जानना अपनी तैयारी का लेवल कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, क्या है, तो आप लाइव टेस्ट और क्यूजेज दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में निश्चित समय के लिए बिना किसी अदर चार्जेस के आप कितनी भी बार इसको देख सकते हो। दोस्तों, यह अनअकैडमी की खास बातें हैं, तो आप इस प्रकार से अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करें। इसमें दोस्तों आपके लिए जो फायदेमंद प्लान है वो है पहला 12 मंथ का प्लान और दूसरा 24 मंथ का प्लान। जो 12 मंथ का प्लान है ये मात्र 7,000 रुपये का है और 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपये का है। दोस्तों, अगर आप इसमें 10% डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, यह अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान थे जो मैंने आपको बताए और इस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हो। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार का अपना आज टॉपिक है और राजस्थान के त्योहार टॉपिक के अंदर आज हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे और बिल्कुल 1% भी कमी नहीं होगी। जो इस क्लास में अपन जो सुबह 8:30 से 9:30 की क्लास है, इसमें अपन थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं और शाम को जो 6 से 7 की क्लास है उसमें अपन MCQ देखते हैं। ना राह गुजर से हमारे पांव कांटा तो हम ही से निकलेगा और इसी गली में कुछ बूढ़े फकीर गाते हैं तलाश कर, खजाना यहीं से निकलेगा। तो दोस्तों, खजाना आप सभी के पास है, अपने आप को तलाश करो, अपने आप को समझो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। और जिस दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन जिस चीज़ की आपने सपना सोच रखा है वो सपना आपका साकार होगा। दोस्तों, वक्त खराब नहीं करते हुए सीधे बात करते हैं अपने राजस्थान में त्यौहार। और राजस्थान में त्यौहार है वो त्यौहार हिंदी माह के अनुसार आता है, तो राजस्थान में हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार जरूर होता है या हर महीने में प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं। तो राजस्थान अपना, उस राजस्थान में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार जरूर होता है और यहाँ हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार होता है, उन्हीं त्यौहारों के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, अपने यहाँ पर हर महीने के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। जो महीने की शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। महीने की शुरुआत किससे होती है, कृष्ण पक्ष से होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे चैत्र मास, जो हिंदी महीनों में पहला मास आता है वो आता है चैत्र मास। और इस चैत्र मास के त्यौहार देखेंगे, सबसे पहले आती है धुलंडी। सबसे पहले आती है धुलंडी। दोस्तों, सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है धुलंडी कब आती है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है। कब आती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है, यह अपने को पता होना चाहिए।
चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों, इस त्यौहार के बिना पूरी जो होली है, पूरे जो वर्ष है, वो ही अधूरा रहता है। बिल्कुल रंग गुलाल उड़ाया जाता है, हमारा होली हम उड़ रहे गुलाल। तो ये प्रकार से गीत गाए जाते हैं, गाने चलाए जाते हैं, और जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें चंग नृत्य किया जाता है, चंग की ढाल पर गीत गाए जाते हैं, और बड़ी तरीके से ये धूमधाम से नृत्य मनाया जाता है। तो चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन होली की अवशिष्ट राग की वंदना की जाती है, वह रंग व गुलाल आदि से होली खेली जाती है। दोस्तों, कुछ होली जो है वो बड़ी प्रसिद्ध होलियां हैं, जैसे भिनाई की होली। जो भिनाई की होली है, इसमें क्या होता है, भिनाई यह भीलवाड़ा व अजमेर के बीच मनाई जाती है। कहाँ पर? भीलवाड़ा और अजमेर के बीच मनाई जाती है। इसमें दो दल एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं, तो इसे कोड़ामार होली भी कहते हैं। तो दोस्तों, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई अजमेर की जो है वो कोड़ामार होली प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए। ब्यावर की होली मोची जाति में देवर भाभी के बीच होली खेली जाती है, जिसमें देवर रंग लगाता है वह भाभी कोड़ा मारती है। तो देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की होली जो है वो देवर भाभी की होली कहलाती है। दोस्तों, ये अपने को पता होना चाहिए। तो भिनाई की होली और जो बाड़मेर में है वो लटमार होली प्रसिद्ध है। जो बाड़मेर की है वो लटमार होली प्रसिद्ध है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो भिनाई की कोड़ों की होली, ब्यावर की देवर भाभी की होली। दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका धुलंडी त्यौहार था जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसके बाद में श्री महावीर जी की लटमार होली, श्री महावीर जी की जो है वो लटमार होली प्रसिद्ध है। जो महावीर जी है उनकी लटमार होली है, इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं और महिलाएं लट मारती है। महिलाएं क्या मारती है? लट मारती है। तो दोस्तों, अपन ने सबसे पहले देखा कि होली कौन सी, तो सबसे पहले जो होली आती है वो आती है कोड़ेमार होली, जो भिनाई के प्रसिद्ध है। कोड़े कहाँ के? भिनाई के। कोड़े कहाँ के? भिनाई के। ब्यावर की जो है वो देवर भाभी की होली है। ब्यावर की कौन सी है? देवर भाभी की होली। इसके बाद में महावीर जी की लटमार, महावीर जी की लटमार होली। बाड़मेर की पत्थरमार होली, बाड़मेर की पत्थरमार होली। और यहाँ पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है, और इलोजी जो है वो इलोजी को छेड़छाड़ वाली देवता के नाम से जाना जाता है। जो इलोजी है इन्हें छेड़छाड़ वाली देवता के नाम से जाना जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अपन ने चार प्रकार की होली देखी। सबसे पहले देखी भिनाई अजमेर की, तो भिनाई अजमेर के अंदर जो है वो आपकी कोड़ेमार होली है, ब्यावर की देवर भाभी की होली है, महावीर जी की लटमार है, और बाड़मेर की पत्थरमार होली है, जिसके अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। आगे आती है मेवाड़ की होली, यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा भगोरिया होली खेली जाती है। कौन सी? भगोरिया होली खेली जाती है। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। तो यहाँ आदिवासियों द्वारा भगोरिया होली खेली जाती है। इस दिन कोटा के अलावा कोटा के आवा का नहान व शेखावाटी का गीदड़ प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैंने बताया था कि गीदड़ जो है वो शेखावाटी का एक आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गीदड़। तो दोस्तों, ये थी भाई आपकी होली। अब आती है शीतलाष्टमी। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं शीतलाष्टमी ये मनाते क्यों हैं, और शीतलाष्टमी के दिन एक नृत्य किया जाता है, गुर्दा नृत्य। कौन सा? गुर्दा नृत्य किया जाता है। दोस्तों, जो अजमेर का शासक था मलकू सिंह, उसका सेनापति था गुड़लेखा। अजमेर का जो सेनापति था मलकू सिंह, उसका सेनापति था गुड़लेखा। तो गुड़लेखा जोधपुर में पीपाड़ नामक स्थान से गुजर रहा था, और पीपाड़ नामक स्थान पर 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा के लिए जल लेने आई थी। तो इस गुड़लेखा की जो नजर है वो इन लड़कियों पर पड़ गई, और इन्होंने क्या किया, गुड़लेखा ने इन लड़कियों को बंदी बना लिया।
जब गुरलेखा ने इनको बंदी बना लिया तो इसकी सूचना मारवाड़ के शासक सातलदेव को लगी, तो सातलदेव ने तुरंत प्रभाव से सेना उठा ली और युद्ध किया और गुरलेखा की गर्दन काट ली। और गुरलेखा की गर्दन काटने के बाद में उस तालाब के पास में लाके बाण से इतने छेद किए कि क्या बन गया, घड़ूलिया बन गया। और लड़कियों ने यहाँ पर खुश होकर नृत्य किया था जिसका नाम गुरला नृत्य, मारा घड़ूला के बांध दियो सूत घड़ूलियो घूम लो, तो घड़ूलिया को ही बोलते हैं गुरला नृत्य। और ये नृत्य सबसे पहले जो गुरलेखा की पुत्री थी गिंदोली उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी, और दोस्तों गुरला त्यौहार भी कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों शीतलाष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे वाशिडा कहा जाता है, और यह एक ऐसी माता है जिसकी पाषाण पत्थरों की पूजा की जाती है। और इसे जो शीतला माता है इसे चेचक की देवी, बोदरी माता, पाषाण पत्थरों की देवी, शीतल माता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। शीतलाष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे वाशिडा कहा जाता है, इसी दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, इसे चेचक के प्रकोप को दूर करने वाली देवी भी कहा जाता है। कौन सी? चेचक का प्रकोप दूर करने वाली देवी भी कहा जाता है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? कहाँ पर मित्रों? कहाँ पर मेरे भाइयों? चाकसू जयपुर में है। और दोस्तों शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, और इसके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार होते हैं, और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? दीपक होता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर शीतला माता के बारे में जानकारी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आप पढ़ते रहो मस्त मजे से। आगे आता है गुरला, जो मैंने अभी बताया आपको चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही यह जोधपुर के राव सातलदेव की याद में मनाया जाता है, क्योंकि सातलदेव इस यहाँ पर बाद में लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गए थे, गुरलेखा को हराकर घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सातलदेव की याद में ये गुरला त्यौहार मनाया जाता है। और अपने यहाँ पर जो घड़ूलिया घुमाने का रिवाज है वो शीतलाष्टमी से गणगौर तक घुमाया जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। चैत्र शुक्ल एकम, दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है। चैत्र शुक्ल एकम, दोस्तों अपन गलती क्या करते हैं? अपन गलती ये करते हैं कि माह की जो शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन दोस्तों नववर्ष की शुरुआत जो है वो शुक्ल पक्ष से होती है। ये ही जानना बहुत जरूरी है कि नववर्ष की शुरुआत कब होती है, ये शुक्ल पक्ष से होती है। तो चैत्र शुक्ल एकम क्या है? चैत्र शुक्ल एकम, हिंदुओं का नववर्ष इस दिन से शुरू होता है। हिंदुओं का जो नववर्ष है वो इस दिन से शुरू होता है। नवरात्रों का प्रारंभ इसी दिन से होता है। तो नवरात्र है जिसमें माँ दुर्गा के 9 दिनों तक आराधना की जाती है, उन्हें नवरात्रा कहते हैं। तो नवरात्रा इसी दिन से प्रारंभ होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है सिंजारा। दोस्तों सिंजारा भी एक अच्छा त्यौहार है। यह त्यौहार पुत्री व पुत्र वधु के प्रति प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि दोस्तों होता यह है कि अगर लड़की का विवाह है हुआ है तो लड़की का विवाह हुआ है तो लड़की के ससुराल वाले सिंजारा लेकर आते हैं, और अगर लड़के का विवाह हुआ है तो लड़के वाले अपनी पुत्र वधु के लिए सिंजारा लेकर जाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें घेवर, मिठाइयाँ, लड़की के लिए कपड़े आदि आते हैं और इसी प्रकार से लेकर जाते हैं। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा निकाला जाता है। जो गणगौर और जो आपकी छोटी तीज होती है उसके एक दिन पहले सिंजारा निकाला जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सिंजारा, और सिंजारा कब होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया। कब होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया, क्योंकि तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। दोस्तों इसके बाद में आती है गणगौर। क्या आती है? गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया, कब? चैत्र शुक्ल तृतीया। दोस्तों एक क्वेश्चन जो मेरे को बार बार ऐसे लग रहा है कि आपको शायद ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे को ये बताओ होली जो दुलंडी है वो कितने प्रकार के, जल्दी से बताओ दुलंडी जो है होली खेली जाती है
वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी खेली जाती है, जल्दी से एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ ताकि मेरे को संतुष्टि हो कि आपको याद हो गई है, जल्दी से बताओ। मैं बता देता हूँ दोस्तों, बिनाय अजमेर की जो है, बिनाय अजमेर की कोड़ामार होली है, ब्यावर की देवर भाभी की होली है, महावीर जी की लटमार होली है, और आपके बाड़मेर की जो है वो पत्थरमार होली है। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हुआ होगा। उसके बाद में अपन ने देखा कि शीतलाष्टमी आती है, घुड़ला आता है, और घुड़ला के बाद में नववर्ष की शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद में सिंजारा आता है, फिर गणगौर आती है। इस प्रकार से अपने को बिल्कुल याद करते हुए चलना है दोस्तों। तो गणगौर यह है गण, गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। गौरी गणगौर माता खोल क्यूआड़ी, ऐसे गीत गाए जाते हैं लड़कियों के द्वारा। तो गण, गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है, कि अखंड प्रेम का जो प्रतीक है वो गणगौर है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मन पसंद वर की प्राप्ति की कामना करती है। जो लड़कियां होती है, कुंवारी कन्याएं होती है, वो अच्छे पति की कामना करती है, और जो विवाहित स्त्रियां होती है वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। दोस्तों कितनी गजब की संस्कृति अपने राजस्थान की, जिसमें एक अच्छे पति के लिए व्रत किए जाते हैं और पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत किए जाते हैं। तो बड़ी ही गजब की संस्कृति है यहाँ की, बड़ी अच्छी संस्कृति है दोस्तों यहाँ की। बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ने के अंदर। आज बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों जयपुर इसमें इंपॉर्टेंट है कि गणगौर की सवारी, तीज की सवारी दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, बाद में उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर का त्योहार 16 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 16 दिनों तक गणगौर का त्योहार चलता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। जो राज्य में सर्वाधिक जो गीत है वो गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। धींगा गवर जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो धींगा गवर है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कभी समय मिलेगा तो बताएंगे आपको कि धींगा गवर की स्टोरी क्या थी। तो दोस्तों धींगा गवर जो है वो आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे आता है नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर। सीधा प्रश्न पूछा गया पटवारी के एग्जाम में कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को। बिल्कुल दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है। वैसे जो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, लेकिन जो गुलाबी गणगौर है ये आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को प्रसिद्ध है, और नाथ द्वारा राजसमंद की है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है, और इसी दिन जो नवरात्रा है वो पूरे होते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता रखना है कि भगवान जो राम है, तो उन भगवान राम का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? तो भगवान राम का जन्मदिन जो है वो रामनवमी, और रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। कब आती है? रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है रामनवमी। तो दोस्तों आज अपन बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये त्योहारों का चैप्टर है ये अपन एक एक हिंदी मास के अनुसार देखेंगे। पहले चैत्र के देखेंगे, फिर वैसाख के देखेंगे, इस प्रकार से अपन देखते हुए चलेंगे। तो किसी बात बच्चे को कोई भी समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल आप आराम से कमेंट्स करो और बड़े तरीके से पढ़ाई करते रहो दोस्तों और मित्रों। चलो दोस्तों देखते आगे। रामनवमी, रामनवमी अपन ने देख लिया, चैत्र शुक्ल नवमी को इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके चैत्र माह के जितने भी जो मुख्य मुख्य त्यौहार थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला जो महीना आता है वो आता है वैसाख। क्या आता है दोस्तों? वैसाख का महीना अगला महीना आता है। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, कोई समस्या नहीं आएगी। आखा तीज वैसाख में सबसे पहले आती है। आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, और एग्जाम में सीधा प्रश्न पड़ता है कि सबसे अधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? वैसाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है? वैसाख शुक्ल तृतीया को। इस वैसाख में केवल एक ही त्योहार जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, और वो क्या है?
आखा तीज। आपको पता है बैसाख, बैसाख जो है वो गर्मियों के अंदर आता है, तो आखा तीज, अक्षय तृतीया, बैसाख, शुक्ल तृतीया राज्य में कृषक वर्ग में सात अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ एक त्यौहार मनाया जाता है। जो राजस्थान में जो कृषक वर्ग है वो सात अन्न और हल की पूजा करके शीघ्र वर्षा कामना के साथ एक त्यौहार मनाता है, और शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। जो शास्त्र है उनके अनुसार सतयुग या त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि वैसाख, आखा तीज, और आखा तीज के दिन ही जो तो बीकानेर है उसकी नींव लगाई गई थी, तो आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। तो दोस्तों आखा तीज के दिन क्या होता है? आखा तीज के दिन मैंने बताया आपको सात अन्नों की पूजा होती है, हल की पूजन की जाती है और शीघ्र वर्षा की कामना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग त्रेता युग आरंभ होता है। संपूर्ण वर्ष में यह बड़ा अभूत सावा होता है। तो सबसे अधिक जो विवाह होते हैं वो आखा तीज के दिन होते हैं। जो देवउठनी ग्यारस होती है उससे भी अभूत सावा माना जाता है आखा तीज, और इस दिन राज्य में हजारों युवा विशेषकर बाल युवा होते हैं। तो ये विवाह जो है ये बाल युवा के लिए ही प्रसिद्ध है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आप ये बताओ कि बाल विवाह कितने वर्ष से, बाल विवाह के लिए कितने जो जो विवाह की उम्र है वो कितनी निर्धारित की गई है, उससे नीचे करने पर बाल विवाह माना जाता है। जल्दी से बताओ, सबको पता है, इजी सा प्रश्न है। तो दोस्तों बाल विवाह लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष और लड़के की वर्ष 21 वर्ष, अगर इससे कम उम्र में विवाह होता है तो बाल विवाह माना जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए, बड़ा ही गजब का प्रश्न है। और इस बाल विवाह से संबंधित जो एक्ट है वो 1929 का शारदा एक्ट है, जिसे राय बहादुर हरविलास शारदा जो अजमेर का था उसने पारित करवाया था। दोस्तों इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आता है। अगला जो त्यौहार है वैसाख पूर्णिमा, वैसाख पूर्णिमा जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। तो वैसाख पूर्णिमा किसको समर्पित है? महात्मा बुद्ध को समर्पित है, क्योंकि इस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो यह है वैसाख पूर्णिमा। दोस्तों उम्मीद है वैसाख माह के जो त्यौहार है वो आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहो और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, मैं उसकी कामना करता हूँ। अब दोस्तों आता है ज्येष्ठ माह के, पहला हो गया चैत्र, दूसरा हो गया वैसाख और तीसरा हो गया ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह में भी वही दो पक्ष है, एक आपका कृष्ण पक्ष और एक आपका शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है उसमें है वट सावित्री व्रत, बड़मावस, सीता माता का मेला और सीताबाड़ी का मेला, जबकि शुक्ल पक्ष में है महाराणा प्रताप जयंती, निर्जला एकादशी, कबीर जयंती और पीपल पूर्णिमा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इनको पता लगा सकते हैं कि ज्येष्ठ माह में कौन से त्यौहार, वापस देख लेना एक बार। इसमें दो महत्वपूर्ण है, सीता माता, सीताबाड़ी, यह है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के, और शुक्ल पक्ष के हैं निर्जला एकादशी और पीपल पूर्णिमा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो दोस्तों वट सावित्री व्रत या बड़मावस, ज्येष्ठ अमावस्या, कौन सी? ज्येष्ठ अमावस्या। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां होती है उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है इस व्रत से, और इस दिन स्त्रियां बड़े बरगद की पूजा करती हैं। तो दोस्तों सीधा प्रश्न आएगा कि वट सावित्री व्रत जो है बड़मावस है ये कब आती है? ये ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। बिल्कुल दोस्तों सभी को ध्यान से समझना है कि बड़मावस कब आती है, तो बड़मावस जो है वो ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। इस दिन स्त्रियां बड़े मतलब बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। निर्जला एकादशी, दोस्तों आप ये याद रखना, निर्जला मतलब बिना पानी के, बिना पानी के।
और दिन आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो पानी पिलाते हैं, कोई जूस पिलाता है, कोई क्या पिलाता है, और एक धार्मिक कार्य है, पुण्य का कार्य किया जाता है। तो ज्येष्ठ के माह में गर्मी अधिक पड़ती है, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की शेष सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन बिना जल के व्रत किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद बिना जल के रहो, लेकिन सबको सबसे अधिक जल पिलाओ, और जल पिलाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होती है। जगह 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 के ऊपर लोग पानी पिलाते हैं, कोई गन्ने का जूस पिलाता है, कोई रसमलाई पिलाता है, कोई क्या पिलाता है। इस प्रकार से ये जो त्यौहार है, हमारा राजस्थान जो है वो इन त्यौहारों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बड़े गजब के यहाँ पर त्यौहार है। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, और बिना जल के व्रत किया जाता है। पीपल पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, इस दिन पीपल, दोस्तों जो बड़मावस है ये तो ज्येष्ठ अमावस्या को आती है, पीपल जो पूर्णिमा है ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को आती है। तो दोनों ही ज्येष्ठ माह में आते हैं, अमावस के दिन बरगद, और ऐसे भी याद रख सकते हो पूर्णिमा और पीपल, पूर्णिमा पैपोर, पूर्णिमा पैपोर पीपल, तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। तो वैसाख और ज्येष्ठ के त्यौहार अपने तीन माह के त्यौहार देख लिए, चैत्र, वैसाख और ज्येष्ठ। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आई होगी, बड़े इजी इजी त्यौहार है, आप तरीके से याद करोगे तो एक बार में याद हो जाएंगे। चलो दोस्तों अब देखते हैं आषाढ़ माह के त्यौहार, और क्योंकि चैत्र, चैत्र के बाद में जो अगला मास आता है वैसाख, वैसाख के बाद में आता है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ के बाद में आता है आषाढ़। कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी, कौन सी, योगिनी एकादशी, और शुक्ल पक्ष में आता है माकर जी का मेला, जिसे जगन्नाथपुरी यात्रा कहते हैं, जगन्नाथपुरी। एक भड़िया नवमी, एक आती है देवस्नी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, और गुरु पूर्णिमा। दोस्तों आषाढ़ में चार पांच त्यौहार है, बड़े महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को भी बोलते हैं योगिनी एकादशी। इस एकादशी का जो व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई पाप किया है और आपको पाप अगर नष्ट करना है तो आप एक व्रत कर लो योगिनी एकादशी का, तो आपके पूरे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बड़ा ही गजब का कल्चर राजस्थान का। देवसंयनी एकादशी, दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है देवसनी एकादशी, और इस दिन क्या होता है, इस दिन भगवान विष्णु चार माह के लिए सो जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इस दिन से कोई धार्मिक कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं, मांगलिक जो कार्य है वो नहीं किए जाते हैं, शादी विवाह जो है वो इसके बाद में नहीं किए जाते हैं। जब फिर देवता उठते हैं तब ही ये कार्य किए जाते हैं। तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को बोलते हैं देवसनी एकादशी। इस दिन से चार माह तक कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता है। कब तक, चार माह तक कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला आता है गुरु पूर्णिमा। तो जो गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, गुरु का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो देखते हैं, इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों व्यास जी जो थे, व्यास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी, महाभारत ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। किसने, वेद व्यास। व्यास रचयिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथाया अतीव सरला मधुर मंजुला नेव कलिष्ठा न च कठिना। व्यास जी के द्वारा रचित और गणेश जी के द्वारा लिखित ये पवित्र महाभारत ग्रंथ है, जो नहीं तो कलिष्ठ है और नहीं कठिन है। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। तो बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत बड़े तरीके से आपको पढ़ाया जाएगी हर चीज़। तो दोस्तों जो आषाढ़ माह है, उस आषाढ़ माह के अंदर अपन ने एक तो देखी माकड़ जी का मेला, जगन्नाथपुरी की यात्रा, एक भड़िया नवमी,
देवस्नी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा, जिसमें दो इम्पोर्टेंट है आपकी देवस्नी एकादशी और गुरु पूर्णिमा और योगिनी एकादशी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं श्रावण मास का त्योहार, कौन सा? श्रावण मास का त्योहार। तो श्रावण मास के अंदर भी दो पक्ष होते हैं, वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और श्रावण पक्ष के अंदर एक आती है नाग पंचमी, निड्री नवमी, हरियाली अमावस्या, मांगल्यवास का मेला डिग्गी, कल्याण जी का मेला, छोटी तीज, श्रावणी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज, मधुश्राव तीज और तीज की सवारी। ये तीज के ही नाम है, छोटी तीज भी बोलते हैं, श्रावणी तीज भी बोलते हैं, हरियाली तीज भी बोलते हैं, झूला तीज भी बोलते हैं, मधुश्राव तीज भी बोलते हैं, तीज मेला भी बोलते हैं, तीज सवारी भी निकाली जाती है। रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, सप्तऋषि व मालिनी का पूजन, तो ये सब किसके नाम है? संस्कृत दिवस, ये पूर्णिमा। तो सबसे पहले आती है नाग पंचमी। क्या आती है? नाग पंचमी। तो नाग पंचमी दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नाग देवता की पूजा की जाती है। तो नाग पंचमी जो है वो श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। इस दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है? जो घर का दरवाजा होता है उसके दोनों ओर गोबर से नाग देवता का चित्र अंकित किया जाता है, ताकि पूरे वर्ष जो नाग देवता है उनकी कृपा बनी रहे और नाग देवता काटने वगैरह का कार्य नहीं करे। कहीं कहीं पर त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। तो कहीं कहीं पर यह त्योहार जो है, वैसे त्योहार जो है नाग पंचमी आ जाए तो श्रावण कृष्ण पंचमी। दोस्तों कृष्ण यानी काला, तो नाग जी क्या होते हैं? काले होते हैं भाई। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को ये त्योहार मनाया जाता है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। कहां पर लगता है? जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक है कामिका एकादशी व्रत, ये श्रावण कृष्ण एकादशी को आता है। कामिका एकादशी व्रत में निम्बारकों का रोहिणी व्रत है। किसका? निम्बार्क एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक निम्बाकाचार्य जी थे। दोस्तों कामिका एकादशी व्रत निम्बारकों का रोहिणी व्रत है। कामिका व्रत को वैष्णव का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके टॉपिक चल रहे हैं, इसी तरीके से आप पढ़ते रहो। तो ये है भाई श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार नाग पंचमी और कामी का एकादशी। अगला आता है हरियाली अमावस्या। दोस्तों आपको पता है हरियाली कब रहती है? श्रावण मास में होती है। तो हरियाली अमावस्या सीधा याद रह जाएगा आपको कि श्रावण अमावस्या को आती है। इस दिन खीर और मालपुए का भोजन बनता है। किसका? खीर और मालपुए का भोजन बनता है। और ये ऐसा भोजन है जो राजस्थान का प्रमुख भोजन माना जाता है, जो त्योहारों के ऊपर बनता है, खीर और मालपुए का भोजन। और जो गोनेर के अंदर जो मंदिर है उसमें भी खीर और मालपुए का भोजन बनता है। अजमेर के मांगल्यवास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। अजमेर का जो मालियावास गांव है, उस मालियावास गांव के अंदर जो अजमेर का जो मालियावास गांव है उसमें हरियाली अमावस्या का वृक्ष मेला लगता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। श्रावणी अमावस्या को बुड्ढा जोहड़, बुड्ढा जोहड़ कहां पर? श्रीगंगानगर में है। तथा डिग्गीपुरी का राजा का मेला भी लगता है। इस श्रावण अमावस्या को ही दोस्तों बुड्ढा जोड़, श्रीगंगानगर और डिग्गीपुरी
राजा का मेला लगता है, तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, बुड्ढा जोड़ और डिगीपुरी राजा का मेला लगता है। अगला आता है श्रावणी सोमवार, और श्रावणी सोमवार जो होता है, श्रावण के सभी सोमवार को लड़कियां भगवान शिव की पूजा करती है और और खास बात यह है कि इस दिन क्या होता है कि लड़कियां एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। अगला आता है दोस्तों छोटी तीज, जिसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को, कब, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज के साथ ही त्योहार का आगमन माना जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गणगौर। तो दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर तीज के त्योहार से त्योहारों का आगमन माना जाता है और गणगौर के साथ त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। तो तीज के साथ ही त्योहार का आगमन माना जाता है और गणगौर के साथ इसका समापन माना जाता है। इस दिन झूला झूलने की परंपरा है, जो लड़कियां और जो महिलाएं होती है वो इस दिन क्या करती है, झूला झूलती है। और तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है और महिलाएं जो है वो लहरिया पहनने का भी रिवाज है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर की तीज की सवारी जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और तीज के लिए कहा गया है कि तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गणगौर। श्रावण तीज त्योहार का वर्णन सुंदाभिलेख में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो श्रावण तीज त्योहार है उसका जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, तो सुंदाभिलेख जो जालौर का है वहां पर इनका ये वर्णन मिलता है। बड़े गजब का प्रश्न है, इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। रक्षाबंधन, भाई और बहन का जो प्रेम है उसका जो अद्भुत उदाहरण है वो है रक्षाबंधन। क्या है, रक्षाबंधन, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। रक्षाबंधन यह मुख्यतः ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। किसका, यह मुख्यतः ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो जो जनेऊ धारण करते हैं, तो ये रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत नया जनेऊ धारण करते हैं। प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ करवाई जाती थी। प्राचीन काल के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो इसी दिन से उनकी पढ़ाई जो है वो प्रारंभ करवाई जाती थी। अतः श्रावणी का दिन विद्या आरंभ का दिन माना जाता है। इसलिए जो श्रावण पूर्णिमा का दिन है वो विद्या आरंभ का दिन माना जाता है। तो दोस्तों बड़े गजब के प्रश्न है। पहला, ये ब्राह्मणों का त्यौहार है, नया जनेऊ धारण किया जाता है, बच्चे पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, इसलिए श्रावणी का दिन विद्या आरंभ का दिन माना जाता है। इस दिन घर के प्रमुख दीवार द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजा करते हैं। और श्रवण कुमार वो व्यक्ति था जिसने अपने माता पिता को एक तराजू के दो पलड़ों के अंदर बिठाकर पूरे भारत के दर्शन करवाए थे। तो ऐसे भी पुत्र हुआ करते थे श्रवण कुमार, जिनको आज बिल्कुल उनके सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस दिन घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। जो रक्षाबंधन है उस दिन भारत का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ, वहां पर शिवलिंग बनता है और लोग बड़ी संख्या में उसको देखने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी रक्षाबंधन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से बढ़िया मजा आएगा। तो यह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है, जनेऊ धारण की जाती है, बच्चे पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं, नारियल पूर्णिमा बोलते हैं और इस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। अब दोस्तों आता है भाद्रपद माह के त्यौहार। सबसे अधिक जो त्यौहार है वो अपने राजस्थान में, चाहे त्यौहार हो चाहे आपके मेले हो, वो कौन से महीने में सबसे अधिक आते हैं,
भाद्रपद माह में सबसे अधिक आते हैं, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आती है कजली तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, जिसमें नीम की पूजा की जाती है। दोस्तों ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें नीम की पूजा की जाती है। कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये नाम है। आगे आता है ऊब छठ, चंदन षष्ठी, हल छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच बारस और सातिया अमावस्या। शुक्ल पक्ष में आती है बाबेरो बीज, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजादशमी, जलजून्य एकादशी, अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। तो दोस्तों अब अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे सभी का। सबसे पहले आती है बड़ी तीज, बड़ी तीज, इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज, इसी को बोलते हैं कजली तीज। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, और कब? भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्र कृष्ण तृतीया को। दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए कि बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं, इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं और सात गायों के लिए आटे की सात रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों इस दिन क्या होता है? इस दिन सात गायों के लिए आटे की सात रोटी, मतलब सात गायें जो होती है उनके लिए आटे की सात रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन किया जाता है। और कजली तीज का जो मेला है वो बूंदी में लगता है। अब कहाँ पर लगता है? बूंदी में लगता है। और बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। दोस्तों वैसे अपने जो रीति रिवाज और लगभग है कि किसी का भी पूजन वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किया जाता है, लेकिन बड़ी तीज की जो पूजा वो नीम के वृक्ष के नीचे की जाती है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये थी बड़ी तीज। छोटी तीज जो है वो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और बड़ी तीज जो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये अपने को बड़ा ही पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और खुशियां मनाएंगे। तो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी, इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और नाथ द्वारा राज संबंध में जन्माष्टमी का मेला लगता है। कहां पर लगता है? नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जामुन जी का जन्म हुआ था, इस दिन नरहर के पीर शक्कर बाबा का उर्स भी लगता है। किस दिन? नरहर के पीर, जिसे शक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनका उर्स लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। गोगा नवमी, गोगा नवमी, दोस्तों जो गोगा जी जिन्हें सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर, महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है, वो थे गोगा जी। और गोगा जी जो है वो गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सज्जन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इनका जो शीर्ष है वो दगरे व चूरू में गिरा, जहाँ पर शीर्ष मेड़ी या शीर्ष मेड़ी सिद्ध मेड़ी है, और इनका जो धड़ है वो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, जहाँ पर धड़ मेड़ी या गोगा मेड़ी है। तो दोस्तों इनका जो मेला है वो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इस दिन गोगाजी तथा मांगलिया मेहा जी की पूजा की जाती है। गोगाजी और मांगलिया मेहा जी ये दोनों ही पंचपीर हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों राजस्थान में पांच पंचपीर हैं, जिनमें छोटी सी एक ट्रिक है, हमें गोरा पापा दो,
हमें गोरा पापा दो, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप पंचपीर याद कर सकते हो। हमें गोरा पापा दो, तो हरबूजी, मेहाजी, गोगाजी, रामदेव जी, बाबूजी, ये राजस्थान के पांच पीर हैं। तो जो गोगाजी है, इस दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर मेला लगता है। दोस्तों ने बता दिया कि नोर हनुमानगढ़ में इनका घर गिरा था और वहीं पे गोगामेड़ी है और भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, तो ये भी बड़ा गजब का प्रश्न बनता है गोगा नवमी का। इसके बाद में आती है हरतालिका तीज। कौन सी आती है? हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया हरतालिका तीज। हरतालिका तीज इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है और इस व्रत को सभी स्त्रियां कर सकती है। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नादि के पश्चात पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर कल्पे जाते हैं। दोस्तों इस व्रत में क्या होता है, पूरे दिन निराहार रहकर बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए रहकर साय को स्नान किया जाता है, उसके बाद में शिव पार्वती की पूजा करके 13 प्रकार के जो व्यंजन है वो बनाकर कल्पे जाते हैं। तो दोस्तों ये होती है हरतालिका तीज जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। आगे है शिवा चतुर्थी। कौन सी? शिवा चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। शिवा चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। इस दिन स्त्रियां उपवास करती है तथा अपने सास ससुर को घी, गुड़, लवण आदि से बना भोजन करवाती है। जो शिवा चतुर्थी होती है, इस दिन स्त्रियां उपवास करती है तथा अपने सास ससुर को घी, गुड़, लवण आदि से बना हुआ भोजन कराती है। तो दोस्तों ये थी शिवा चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है। इस पर्व पर गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। जो गणेश जी का जन्मदिन है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाते हैं और कृष्ण जी का जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में यह पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी को चतरा या चतरा चौथ भी कहते हैं। जो गणेश चतुर्थी होती है उसे चतरा चौथ भी कहते हैं और शेखावाटी में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। जो शेखावाटी है, शेखावाटी बोलते हैं सिक्कर चूरू झुंझुनू को, और इस दिन लड़कों के क्या आते हैं भाई, सिंजारे आते हैं। तो ये भी अपने को दोस्तों पता होना चाहिए। इस दिन रणथंभौर सवाई माधोपुर का मेला प्रसिद्ध है। रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है तो दोस्तों वहाँ पर बड़ा ही विशाल मेला लगता है, तो ये मेला प्रसिद्ध है। चतरा चौथ को गणेश चतुर्थी के दिन नव विवाहित युवकों को सिंजारा भेजा जाता है। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो नव विवाहित लड़के होते हैं, दोस्तों लड़कियों को सिंजारे कब जाते हैं, लड़कियों के सिंजारे तो जो हैं सिंजारे जो हैं वो तीज और गणगौर के त्यौहार पर आते हैं, जबकि लड़कों के सिंजारे जो हैं वो आपके गणेश चतुर्थी पर आते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपन ने सब पूरी डिटेल देखी गणेश चतुर्थी की। ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी आती है। इस दिन गंगा स्नान कर स्नान का विशेष महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। जो ऋषि पंचमी है तो इस दिन गंगा का स्नान जो है वो विशेष माना जाता है और आपसे अगर गलती से भी कोई जाने अनजाने पाप हुआ है उन पापों को दूर किया जा सकता है। गणेश जी का कलश, गणेश जी का कलश नवग्रह तथा सप्त ऋषि वरुण जयंती की पूजा करके कथा सुनी जाती है। दोस्तों इस दिन क्या होता है, गणेश जी का कलश रखा जाता है और नवग्रह तथा सप्त ऋषि व अरुदंती की पूजा पर यह कथा सुनी जाती है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन मनाई जाती है। जो माहेश्वरी समाज है उसमें जो राखी है
वो ऋषि पंचमी को ही मनाई जाती है। तो ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो था जन्माष्टमी, और जो राधाष्टमी आती है वो आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। राधा कौन थी? राधा जो है वो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा कौन थी? श्री कृष्ण की प्रेमिका थी राधा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है, बड़े लेवल के प्रश्न है। और इस दिन अजमेर का निम्बार्क पीठ जो सलेमाबाद में मेला भरता है, जो अजमेर के किशनगढ़ के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो वहाँ पर मेला कब लगता है? तो वहाँ पर जो मेला है वो कब लगता है? वो मेला लगता है आपका राधाष्टमी के दिन। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती जो है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है, और इस दिन तेजा दशमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, और इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है, और तेजा जी का जो तेजा दशमी है, तेजा जी की जयंती है, तेजा जी का जो मेला है वो इसी दिन लगता है। तो दोस्तों तेजा जी जो है वो लाछा गोजरी की जो गायें हैं उनकी रक्षा सिरोही के मेर मीणाओं से कर रहे थे, और रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जो तेजा जी की घोड़ी थी उसका नाम था लीलन या सिंगारी, और इनको जो सर्प दंश हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि तेजा जी को सर्प दंश कहाँ पर हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बताओ दोस्तों जल्दी से। दोस्तों आगे आता है रामदेव जयंती। क्या आती है? रामदेव जयंती। मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि तेजाजी जो है उनको सर्प दंश कहाँ पर हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों सेंदरिया, सेंदरिया के अंदर तेजाजी को सर्प दंश हुआ था और सुरसरा में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। सेंदरिया, सेंदरिया में नागदेवता ने डसा था, और सुरसरा जो है उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे, दोस्तों ये भी पता होना चाहिए। और तेजाजी का जो तीर्थ स्थल है वो है दुगारी झील बूंदी। कहाँ पर है? दुगारी झील बूंदी में तेजाजी का तीर्थ स्थल है। दोस्तों रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है रामदेव जयंती, और जो तेजाजी का जो मेला लगता है वो भी इसी दिन लगता है। दोस्तों बाबा रामदेव का जन्मोत्सव रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में विशाल मेला आयोजन होता है। दोस्तों रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था, जिसे बाबेरो बीज कहते हैं, और इन्होंने जो समाधि है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, जबकि इनका मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में लगता है, विशाल मेला लगता है। इनका जन्म जो है वो उड़काश में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। कुछ बच्चे जैसलमेर टिका देते हैं लेकिन वो आंसर गलत है। आगे है जलझूलनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन देवों की मूर्तियों को पालकियों तथा विमानों में गाजे बाजे के साथ ले जाकर जलाशय के पास जाते हैं और स्नान करवा कर लाया जाता है। तो दोस्तों जलझूलनी एकादशी जो है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, और इस दिन मूर्तियों को पालकियों तथा विमानों में गाजे बाजे से ले जाकर जलाशयों के पास स्नान करवाया जाता है, और फिर वापस मंदिर में लाकर रख दिया जाता है। जलझूलनी को ढोला ग्यारस भी कहा जाता है, क्योंकि ढोल वगैरह बजाए जाते हैं इसलिए ढोला ग्यारस भी कहते हैं। और दोस्तों श्राद्ध पक्ष श्राद्ध पूर्णिमा, जो श्राद्ध पक्ष है वो श्राद्ध पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से सर्प पितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तथा अश्विन अमावस्या तक चलता है। श्राद्ध पक्ष जो है वो
भाद्र पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक चल अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध मतलब क्या होता है, बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पूर्वक तर्पण, तो ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कनागति कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो है अपन ने राजस्थान के त्योहार का पार्ट फर्स्ट देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों असफलता व अपमान को अपनी भुजाओं से चरणों में पटक दो, क्योंकि हम मरने के लिए नहीं कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो दोस्तों जीवन मिला है तो जीवन कुछ करने के लिए मिला है, तो इसमें अपने को बहुत कुछ करना है। ऐसे ही नहीं इस जीवन को ऐसे ही खो दिया, तो दोस्तों जीवन को बहुत अच्छी तरीके से आपको जीना है, ये भी अपने को बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहो और बढ़िया तरीके से क्लास लेते रहो और मज़े से, ठीक है। अपनी सफलता जो है, अपना लक्ष्य है, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों शाम को अपनी क्लास एमसीक्यू चलती है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको क्लास लेनी है। और इसी प्रकार से ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।